Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा इस वक्त सुर्खियों में है। जेलेंस्की से उनकी मुलाकात को दुनिया इस तरह देख रही है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस युद्ध को रोक सकता है। यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी ऐसा लगने लगा है कि भारत अगर चाहे तो ये युद्ध रुक जाएगा। उन्होंने खुद ये बात भी कही है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडिया विल प्ले दिस रोल। आई थिंक दैट इंडिया began to recognize that this is not just conflict, this real war of one man, and his name is Putin, against whole country which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. जेलेंस्की ने खुद ये बात कही कि अगर भारत चाहे तो पुतिन को रोका जा सकता है। यूक्रेन का मानना है कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। भारत ने समझना शुरू कर दिया है कि ये एक संघर्ष नहीं है, भारत एक बड़ा देश है, भारत का बड़ा प्रभाव है। भारत पुतिन को रोक सकता है, भारत रूस की अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की एक उम्मीद जगी है। पश्चिमी देशों में भी सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की इस यात्रा की चर्चा हो रही। पीएम मोदी ने कीव में जो कुछ भी किया, जो कुछ कहा, वो अब ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। पीएम मोदी ने जिस तरह से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिया, वो भी इस वक्त चर्चा का विषय है। अपनी बातचीत में भी पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा है कि कुछ समय पहले मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तो मीडिया के सामने आंख में आंख मिलाकर उनसे कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रूस में मुलाकात के लिए गया था, वहां पर मैंने साफ साफ अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया में मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बार बार इस बात पर जोर देते दिखाई दिए हैं कि अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो वो है भारत। हालांकि जेलेंस्की के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।